Hello everyone, today we will solve from question number 9 of exercise 20C class 7th RS Agrawal में. इससे पहले हम एक वीडियो में 1 to question number 8 complete कर चुके हैं, जिसका लिंक ये जो आपको आई बटन दिख रहा है यहाँ पर मिल जाएगा और इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा. एंड द क्वेश्चन 9 इज द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट. जो बेस है हाइट का टू टाइम्स है. इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 512 स्क्वायर सेंटीमीटर फाइंड द बेस एंड हाइट. तो इसमें जो बेस दे रखा है क्या है, हाइट का ट्वाइस. तो इसमें बेस डिपेंड है हाइट पर, तो इंडिपेंडेंट है क्या हाइट. तो हाइट को हम मान लेंगे एक्स. लेट हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल एक्स सेंटीमीटर. मैंने हाइट मान ली एक्स सेंटीमीटर. सेंटीमीटर क्यों मानी है, क्योंकि एरिया सेंटीमीटर में दे रखा है. तो इसका बेस क्या होगा, टू टाइम्स है तो डबल हो जाएगा, यानी कि टू एक्स. सो बेस ऑफ पैरेललोग्राम विल बी 2x सेंटीमीटर. और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी गिवन है हमें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 512 स्क्वायर सेंटीमीटर. और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट. बेस कितना है, 2x इनटू हाइट. हाइट हमने मानी थी x, ये हो गया 512. तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और 2 आ जाएगा अपॉन में 502 अपॉन 2. 2 से कैंसिल कर दो, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 2 फाइव जा 10, 2 6. तो x स्क्वायर इज इक्वल 256. तो x की वैल्यू क्या आ गई, 256 होता है 16 का स्क्वायर. जब हम स्क्वायर रूट हटाते हैं स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू आएगी अंडर रूट 256, और ये किसका स्क्वायर होता है, 16 का. तो x की वैल्यू आ गई 16. द वैल्यू ऑफ x इज 16. x क्या था, x मानी थी हमने हाइट ऑफ पैरेललोग्राम. तो हाइट भी निकलाई और बेस भी निकलाई, 2 इंटू 16 कर देंगे तो बेस आ जाएगा. तो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज x यानी कि 16 सेंटीमीटर. और बेस क्या होगा, 2 टाइम्स था इसका. और बेस ऑफ पैरेललोग्राम 2x यानी कि 2 इंटू x, x की वैल्यू क्या है 16, और 2 इंटू 16 32 सेंटीमीटर. तो ये इसके आंसर हो गए. ओके, क्या 16 एंड 32 सेंटीमीटर. Now question number 10. And the question 10 is find the area of rhombus in which, दो पार्ट है, first each side, rhombus की each side भी रखिए, चारों साइड इक्वल होती है, तो एक साइड जो होगी वही दूसरी तीसरी सब होंगी. तो each side is 12 सेंटीमीटर and height, height दे रखिए इसकी, सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर. अब रोम्बस का स्टूडेंट ज्यादा सोचते हैं कि हाफ डी वन इंटू डी टू, लेकिन भाई रोम्बस क्या है, रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम. अब पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट. तो रोम्बस का भी वो हो जाएगा बेस इंटू हाइट, अगर डायगोनल्स नहीं दे रखे हैं. और बेस क्या है, कोई भी साइड से है और हाइट दे रखी है सी सीधी, तो बेस ये हो गया और हाइट ये हो गई. तो एरिया ऑफ रोम्बस बेस इंटू हाइट, बेस का साइड 12 इंटू 7.5, 12 का मल्टीपल कर दें, 12 5 जा 60 कैरी 6, 12 7 जा 84 और 6 90, वन प्लेस के वन डेसिमल, यानी कि कितना आ गया 90 स्क्वायर सेंटीमीटर. इट इज द एरिया ऑफ गिवन रोम्बस. बात क्लियर हुई, साइड्स देखो क्या रोम्बस की फिगर ये होती है, चारों साइड्स इक्वल हो, पैरेललोग्राम तो होता है ये चारों साइड्स इक्वल है, ये साइड्स दे रखी है और इसकी हाइट. तो क्या पैरेललोग्राम है, बेस इनटू हाइट वन हुआ,
सेस इज द बेस इनटू हाइट। सेम सेकंड दे रखा है, बस इसमें डेसीमीटर और सेंटीमीटर का चक्कर है। चलिए करते हैं ईच साइड। इसमें भी हमें रोम्बस दे रखा है, इसका एरिया फाइंड करना है, जिसकी ईच साइड दे रखी है हमें। ईच साइड इज 2 डेसीमीटर, डीएम लिखा हो तो डेसीमीटर, डीएएम तो डेकामीटर, ध्यान रखना डेकामीटर डेसीमीटर में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, डीएम ओनली डेसीमीटर, ओके। और हाइट दे रखी सेंटीमीटर में, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, किससे होता है 10 से मल्टीपल, तो ये आ गया 20 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर, तो 10 से मल्टीपल करा तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट। हाइट गिवन है इसकी सेंटीमीटर में ही, सेम फर्स्ट पार्ट की तरह है, बस अंतर क्या है डेसीमीटर में दे रखा था। हाइट गिवन है 12.6 सेंटीमीटर, हमें इस रोम्बस का एरिया फाइंड करना है, बेस इनटू हाइट, बेस की जगह साइड आ जाएगी, हाइट दे रखी है, तो एरिया ऑफ रोम्बस बेस वो कितना है 20 इंटू हाइट, 2 से मल्टीपल करें, 2 6 12, 1 0 तो रहेगा, कैरी 1 2 2 4 1 5, और 2 1 2, और 1 प्लेस के बाद डेसिमल, डेसिमल का 0 तो बेकार होता है, तो कितना हो गया 250 स्क्वायर सेंटीमीटर, चाहे स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे लिखो या सेंटीमीटर को प्रेस कर लगा दो, सेम दोनों का मतलब एक ही होता है, मैंने दोनों को अलग तरीके से लिख दिया, तो इट इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट, 252 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, एंड द क्वेश्चन 11 इज फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस द लेंथ ऑफ हूज डायगोनल्स आर, फर्स्ट पार्ट टू पार्ट्स दे रखे हैं, 16 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर, यहां पर दोनों डायगोनल्स दे रखे हैं, फर्स्ट को हमने d1 मान लेते हैं, तो d1 की वैल्यू दे रखी है 16 सेंटीमीटर, और सेकंड डायगोनल्स d2 ये दे रखा मैं 28 सेंटीमीटर। वेरी इजी क्वेश्चन है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, इसमें वही जो आप लोगों ने ज्यादा यूज करते हो, एरिया ऑफ रोम्बस डायगोनल्स दे रखे हो तो ये होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, तो ये कितना हो गया हाफ इंटू d1 इट इज 16 इंटू d2 ये है 28, 2 1 जा 2 8 जा, 8 का मल्टीपल कर दे, 8 8 जा 64, कैरी 6, और 8 2 जा 16, और 6 22, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर, 224 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ गिवन रोम्बस हूज डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर। सेम सेकंड पार्ट है, बस अंतर इतना है, इसमें डेसीमीटर में दे रखा है, क्या है डायगोनल्स दे रखे हैं d1 8 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर, पहला डायगोनल्स दे रखा है 8 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो क्या करें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, हमें मालूम है 1 कितने होता है 10 के, तो 8 कितना हो गया लिख दूं डायरेक्ट 8 into 10, समझ में आ गया ना, तो ये हो गया 80 सेंटीमीटर ये प्लस 5 सेंटीमीटर ये, तो कितना आ गया 85 सेंटीमीटर, और d2 हमें दे रखा है 5 डेसीमीटर 6 सेंटीमीटर। चलो इसको मैं पूरा डायरेक्ट कर देता, वो डिटेल में कर देता हूँ, क्या करूँगा इसको ऊपर वाली बेसिक लाइन से नीचे करूँ, डेसीमीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 6, ये ऐसे कर लेना एक स्टेप ही तो पड़ेगा बस, तो ये कितना हो गया 50 प्लस 6, तो 56 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर में दोनों सेम हो गए, डायगोनल्स निकाल लो सॉरी एरिया निकाल लो, तो एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू d1 कितना है 85 इंटू d2 56 है, ये 56 ओके, सेकंड 2 से कैंसिल कर दिया, 2 1 जा 2 2 जा 4 2 8 जा, तो कितना आ गया ये 85 इंटू 28, इसको हम मल्टीपल यहां कर देते, चलो 85 में 28 से मल्टीपल करें, देखें क्या आता है 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 8 जा 64 और 4 68,
अब 2 का मल्टीपल 2 5 या 10 कैरी 1, 2 8 या 16 और 1 17, 0 8 13 कैरी 1 2, ये आ गया 2380 स्क्वायर सेंटीमीटर, इट इज द एरिया ऑफ गिवन रोम्बस। ओके, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो कितनी इजी है, दो ही तरह के इसमें क्वाड्रिलेटर्स दे रखे हैं, एक पैलोग्राम एक्सरसाइज का और एक दूसरी है, कौन सा टाइप है, रोम्बस इस एक्सरसाइज में, सॉरी है ना। तो पैलोग्राम और रोम्बस का एरिया फाइंड करना है और कुछ नहीं इस एक्सरसाइज में। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस ई साइड्स ऑफ विच मेजर 20 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ हुज डायगोनल्स इज 24 सेंटीमीटर। एक साइड्स दे रखी है, एक कैसा रो है क्योंकि रोम्बस में इक्वल होती है, तो मेजर ऑफ ईस्ट साइड दे रखा है इसमें, ईस्ट साइड ऑफ रोम्बस और वो हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर और एक डायगोनल रखा है, वन डायगोनल्स और इसकी मेजर दे रखी है 24 सेंटीमीटर। अब इसमें थोड़ा सा हमें प्रॉपर्टी लगानी होगी। पहले मैं आपको फिगर बना दूं रोम्बस की, क्यों, क्योंकि इसमें साइड्स तो दे रखी है एक, लेकिन हाइट नहीं दे रखी और डायग्नोस एक दे रखा है दूसरा नहीं दे रखा। अगर हाइट दी होती तो हम साइड इंटू हाइट करके निकाल देते, या अगर दूसरा डायग्नोस दिया होता तो हाफ डी वन इंटू डी टू लगा देते। तो मैंने मान लिया ये एक रोम्बस है ए बी सी डी जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, तो एक साइड हमें दे रखी है 20, तो ये 20 है। ओके, अब ये इसका डायग्नोस, एक ए सी और एक बी डी, डायगोनल्स क्या होते हैं इस फंडामेंटल है ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल पर। तो इस फिगर बना लो, हम मान लेंगे लेट जो डायगोनल्स हमने मान लिया ए सी है, कि ए सी दे रखा हमें 24 सेंटीमीटर। ओके, तो ए सी है तो सी ओ क्या होगा, ए सी का हाफ, क्योंकि इसको बाइसेक्ट करते हैं। तो इस फिगर के हिसाब से CO इक्वल टू होगा हाफ AC, होगा कि नहीं होगा। उससे पहले लिख सकते थे कि बी नो डेट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, बल्कि क्या लिखोगे, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये लिख लेना है ना, उसके बाद ही लिखना। तो CO इक्वल टू होगा हाफ AC, तो ये हो गया हाफ इंटू AC का मतलब 24, 2 से 24 12 टाइम्स कैंसिल 12 सेंटीमीटर, ये CO की वैल्यू निकला है। जरा फिगर में देखें ये कितनी आ गई 12। ओके, अब इन ट्राइंगल बी ओ सी, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस होगा। चलो मैं लिख देता हूं, इन ट्राइंगल बी ओ सी एंगल बी ओ सी इज इक्वल 90 डिग्री है, 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, बी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर, ये तो था है बी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के, हाइपोटेनियस बताया है 90 डिग्री की अपोजिट साइड जो कि है बी सी, बी सी स्क्वायर। सी ओ की वैल्यू पुट कर दो उसमें, तो इससे क्या होगा, हम बी ओ स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। सी ओ की वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर, और बी सी हमें कितना गिविन है 20, तो 20 का स्क्वायर। ओके, तो बी ओ स्क्वायर प्लस 144 इज कल 420 को स्क्वायर करा मैंने, तो इससे बी ओ स्क्वायर की वैल्यू निकलाई 400 माइनस 144, तो बी ओ स्क्वायर इज कल टू 10 में से बोरो लेंगे 10 हो गया, 10 में से 4 गया 6 या 9 लगे, 9 में से 4 गया 5, 3 में से 1 गया 256, इसके आगे मैं यहाँ कर दूँ इतने में हो जाएगा। तो बी ओ स्क्वायर 256 अभी हमने थोड़ी देर पहले करा था शायद, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 में 256 से आया था। तो VO इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 256, तो VO की वैल्यू आ गई 16। एक चीज मुझे याद आ गई कि अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस में वैल्यू आती है ना, आती है, तो VO क्या होगा इसमें, माइनस क्यों नहीं होगा, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, अंडर रूट तो खैर पॉजिटिव ही होता है हमेशा, है ना, नेगेटिव में आता है वो इमेजिनरी नंबर होते हैं, वो आप 11 पढ़ोगे, लेकिन अब मैं बताता हूँ प्लस माइनस में इस वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं था, क्योंकि साइड्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती। यहाँ समझ में आ रहा है कि 16 है बी ओ स्क्वायर 256, बी ओ की वैल्यू प्लस की भी हो सकती थी 16 या माइनस की भी, अगर हम प्लस 16 का स्क्वायर करेंगे तब भी 256 आएगा,
और माइनस 16 का करेंगे तो 256 माइनस क्यों नहीं लेते, क्योंकि ट्राइंगल की या क्वाड्रिलेटर की साइड्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसी तरह एज हो या कॉस्ट हो कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम पॉजिटिव लेते हैं ओनली। तो वी ओ आ गया 6। अब जरा यहाँ देखो वी ओ आ गया सॉरी 16, हमने ये भी पता था कि इसको वाई सेट करते हैं यानी कि बी ओ इक्वल टू होता है डी ओ, तो दूसरा डायगोनल्स बी डी होगा और बी डी किसके बराबर हो गया इसका डबल, क्योंकि ये भी 16 है और ये भी 16, 16 प्लस 16 32 या 2 टाइम्स ऑफ बी ओ, तो इससे बी डी निकलेगा। तो बी डी कितना हो गया 2 इंटू 16 32 सेंटीमीटर हुआ क्या, इससे हमें दोनों डायगोनल्स मालूम हो गए, दूसरा हमने निकाल लिया, पहला दे रखा था, पहला कितना दे रखा था 24, इधर था ए सी इक्वल टू 24, हो गया एरिया ऑफ रोमबस, स्पेस कम है इसलिए मैं यहां लिख देता हूं हाफ डी वन, डी वन जो पहला डायग्नोज रखा था 24 इनटू डी टू जो हमने निकाला बी डी 32, टू से ये 12 और कैंसिल, 12 का मल्टीपल कर दो आंसर आ जाएगा 12 टू जा 24 कैरी 2, 12 थ्री जा 36, 36 और 2 38, इट इज द आंसर 384 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ गिवन रोम्बस, ये था क्वेश्चन नंबर 12। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन द क्वेश्चन 13 इज द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 148.8 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ द वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 19.2 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल्स, ये तो सिंपल सा है, क्या दे रखा है इसमें एरिया ऑफ रोम्बस इज गिवन और दैट इज इक्वल टू 148.8 सेंटीमीटर स्क्वायर और वन डायगोनल्स दे रखा है ये जी है ना, वन डायगोनल्स जिसको हमने मान दे रहे हैं, चलो लिख देंगे डी वन ब्रैकेट में लिख रहा हूँ डी वन और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 19.2 सेंटीमीटर, सेकंड डायगोनल्स फाइंड करना है हमें, ये मालूम है हाफ डी वन इंटू डी टू ये किसके इक्वल होता है एरिया ऑफ रोम्बस, ये तो होता है वैल्यू पुट कर दो हाफ डी वन जो कि हमें गिवन है 19.2, सेकंड डायगोनल्स यानी कि डी टू हमें फाइंड करना है, एरिया ऑफ रोम्बस ये भी गिवन है इसके इक्वल 148.8, तो डी टू कितना हो गया क्रॉस मल्टीप्ल करें 2 तो जाएगा यहां 148.8 इंटू 2 अपॉन में 19.2 अपॉन में जाएगा 19.2, देखो वन प्लेस के बाद डेसिमल, वन प्लेस के बाद डेसिमल, तो डेसिमल से डेसिमल रूम हो गया ओके, 2 से कैंसिल 2 बन जा 2 9 जा 18 कैरी 1 12 हो गया तो 2 6 जा 12 ओके, ये 4 से कैंसिल होता है देखो 4 2 जा 8 4 4 जा और लास्ट के 2 डिजिट 4 से है तो ये दोनों 4 से कैंसिल हो जाएंगे, 4 से डिविजिबल है तो 4 2 जा 8 ओके कैरी 1 16 हो गया 4 4 जा 16 4 से इसको कैंसिल कर दो 4 3 जा 12 कैरी 2 2 8 28 4 7 जा 28 और 8 ये है तो सॉरी 4 2 जा 8 क्लियर, तो ये क्या बच्चा मैं यहां लिख देता हूं कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा 372 और 24 अपॉन में, इसको आपकी मर्जी है आप कैसे भी कैंसिल कर सकते हो, 12 से कर सकते हो डायरेक्ट या 2 से करो या 4 से, मैं 4 से कर दे रहा हूँ 4 6 जा 24 4 से ये 4 9 जा 36 कैरी ऑन 4 3 जा अभी किससे होगा 3 से 3 2 जा 3 3 जा 3 1 जा तो ये आ गया 31 अपॉन 2 तो कितना हो गया 15.5 कैसे 2 1 जा 2 कैरी ऑन 11 2 5 जा 10 0.25 जा 10 इतने सेंटीमीटर, यही फाइंड करना था कि फाइंड द अदर डायगनल्स तो लेंथ ऑफ अदर डायगनल्स किसके इक्वल होगी 15.5 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14,
14. And the question 14 is the area of rhombus is 119 square centimeter. इसमें एरिया ऑफ रोमबस दे रखा है, तो लिख लेते चलो. एरिया ऑफ रोमबस 119 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 56 सेंटीमीटर, तो फाइंड इट्स हाइट. तो रोमबस की हाइट फाइंड करनी है, जबकि पेरीमीटर हमें दे रखा है 56. तो चलो पेरीमीटर भी लिखते हैं. पेरीमीटर ऑफ रोमबस ये दे रखा हमें 56 सेंटीमीटर. रोमबस की चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल. तो पेरीमीटर और रोमबस क्या होता है? 4 इंटू साइड, यानी क्या 4 इंटू साइड्स की वैल्यू दे रखी है 56. तो सिर्फ साइड्स निकलेगी रोमबस की, तो साइड ऑफ रोमबस क्या हो गई? साइड ऑफ रोमबस 14 आ गई. कैसे? 4 से डिवाइड होगा, 56 अपॉन 4, 4 से कैंसिल, 4 बन जा 4, 4 4 जा तो 14 सेंटीमीटर. ये आ गई साइड्स. साइड से मतलब बेस है ना, तो रोमबस का वो लगा दो फॉर्मूला एरिया का, तो बेस इंटू हाइट वो होता है एरिया. लिखो बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोमबस. बेस का मतलब रोमबस की चारों साइड इक्वल है, तो एक बेस ही हो गया 14. हाइट पूछा है इसमें, तो निकलेगी एरिया दे रखा है. एरिया कितना दे रखा है? शुरू में दे रखा था 119, तो एरिया की जगह 119. तो हाइट क्या हो गई? हाइट हो गई 119 अपॉन 14. 7 से कैंसिल हुआ, 7 टू जा 14, 7 वन जा 7, 7 फोर जा ओके, और 2 से ये 7 टाइम्स. तो हाइट ऑफ रोमबस, ये कुछ गलती कर दी है मैंने, 7 7 28 कहीं मिस्टेक करी, चेक करता हूँ क्या करा. 7 टू जा 14, 7 बन जा 7 4 और ठीक है 7 सेंटीमीटर. लेकिन मिस्टेक तो है, मिस्टेक कहाँ कर रहा हूँ मैं, 7 बन जा 7 4 14, 7 7 जा 14, ओह ये कर रहा हूँ मैंने, 7 आ गया ये ना, 7 टू जा 7 बन जा 7 4 7 7 जा 49 होते हैं, मैंने 4 लिख दिया, ये मिस्टेक हो रही थी. अब 2 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, ये हो गया 17 अपॉन 2, तो 8.5 हो गया, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, तो हाइट ऑफ रोमबस हो गई 8.5 सेंटीमीटर. लिख दीजिए हाइट ऑफ रोमबस 8.5 सेंटीमीटर. ओके, नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. एंड द क्वेश्चन 15 इज The area of a rhombus is 441 square centimeter and its height is 17.5 centimeter. Find the length of each side of the rhombus. Same, इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह 14 की तरह रिवर्स है, उसमें हाइट पूछी थी, साइड दे रखी थी, इसमें हाइट दे रखी है और साइड पूछी है. तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ रोमबस कितना दे रखा है. एरिया ऑफ रोमबस ये हमें दे रखा है 441 स्क्वायर सेंटीमीटर और इसकी हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ रोमबस ये भी हमें गिवन है और वो दे रखी है 17.5 सेंटीमीटर. साइड्स पूछी है, साइड से मतलब वही बेस. तो एरिया क्या होता है? बेस इनटू हाइट. बेस इनटू हाइट इक्वल टू होता है एरिया ऑफ रोमबस. हाफ डी वन डी टू तो होता है, दूसरा ये भी होता है. बेस निकाल लो, बेस से मतलब क्या, वही रोमबस की साइड हो जाएगी. हाइट हमें दे रखी है 17.5 और एरिया 441. ओके, तो इससे बेस निकलाएगा. बेस से मतलब बेस ऑफ रोमबस. ये कितना हो गया 441, ये अपॉन में आएगा 17.5. डेसिमल रिमूव करके मैंने ऊपर जीरो बढ़ा दिया, ये तो जानते हो. 5 से कैंसिल करें, 5 3 जा 15, कैरी 2 25, 5 5 जा
फाइव सी कैंसिल करें, फाइव एट जा फोर्टी, फोर बचा 41, फाइव एट जा 40, फाइव टू जा। ओके अब इसको कैंसिल करते हैं, देखो सेवन से कैंसिल हो जाएगा ये, सेवन फाइव जा 35, सेवन वन जा सेवन, कैरी वन 18 हो गया, सेवन टू जा 14, फोर बचा 42, 42, सेवन सिक्स जा। तो वेस कितना आ गया, ये हो गया 126 अपॉन 5। जब 5 का डिवाइड करेंगे इसमें 2 से मल्टीप्ली करो तो 252, तो 25.2। ये जानते हो शॉर्टकट तरीका, 2 से मल्टीप्ली कर दो, नीचे 10 हो जाएगा, वन प्लेस के बाद डेसिमल, 2 से मल्टीप्ली करेंगे 26 दूनी 52, तो एक दो 252 है ना, तो 25.2 सेंटीमीटर होगी बेस। बेस का मतलब साइड्स ऑफ रोम्बस, तो लिख दोगे तो साइड्स ऑफ रोम्बस, ये तो पूछा था इसमें कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड्स, तो लिख दो लेंथ ऑफ ईच साइड्स ऑफ द रोम्बस, पूरी लैंग्वेज लिख देता हूं मैं, इज इक्वल 25.2 सेंटीमीटर। ओके नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 16, एंड द क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हैविंग बेस 24.8 सेंटीमीटर एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट 16.5 सेंटीमीटर। ये किसकी दे रखी है, ट्राइंगल की, तो लिख देते हैं बेस ऑफ ट्राइंगल, हमें दे रखा है 24.8 सेंटीमीटर और करस्पॉन्डिंग हाइट भी दे रखी है। हाइट ऑफ ट्राइंगल सेंटीमीटर, एक ट्राइंगल है जिसका बेस ये, एक हाइट और एक रोम्बस दे रखा है, उस रोम्बस का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल है। तो पहले हम एरिया निकालना किसका, इस ट्राइंगल का, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बाकी बात बाद में देखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो होता है, वैल्यू पुट कर दो, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 24.8 इंटू हाइट 16.5, टू से मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ बस, 12.4 इतना ही रहने दे रहे हैं क्योंकि हमें कोई एरिया नहीं पूछा है, कुछ और पूछा है देखेंगे। तो इतने स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब जरा मैं आगे पढ़ता हूँ, इफ वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस इज 22 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल्स, तो बस इसलिए सेशन दो। अब हमें गिविन क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस इसके इक्वल दे रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, दोनों का एरिया इक्वल दे रखा है। रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू, और ट्राइंगल का हमने हाफ भी नहीं काटते, टू से टू कैंसिल हो जाता, चलो वो तो हमने काट दिया कोई दिक्कत नहीं है, 12.4 इंटू 16.5, समझ रहे हैं, अगर हाफ नहीं काटते टू से टू कैंसिल हो जाता। इसमें एक डायगोनल दे रखा है, वो मान लो डी वन है, वो कितना दे रखा है 22, तो डी टू निकलाएगा, समझ में आ रहा है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे और डी टू निकलाएगा, टू से 22 कैंसिल करना चाहो कर लो, टू से 11 बार, तो सेकंड डायगोनल क्या होगा रोम्बस का, 11 से कर देंगे हम इसमें डिवाइड, 12.4 इंटू 16.5 अपॉन क्रॉस मल्टीपल जिसे बोलते हैं 11 आ जाएगा अपॉन में, 11 बन जा 11 से कैंसिल कर, देखो 11 बन जा 11, डेसिमल आया, 5 बचे 55, 11 5 जा। बस अब तो हमें 15 से मल्टीपल करना है, करते हैं, डेसिमल तो 2 प्लेस के बाद आ जाएगा, 1 प्लेस यहाँ है, 1 प्लेस डेसिमल प्लेस यहाँ है, तो बाद में देखेंगे, मल्टीपल कर दें, 15 4 जा 60, कैरी 6, 15 2 जा 30 और 6 36, अब कैरी 3, 15 बन जा 15 और 3 18 और डेसिमल 2 डिजिट्स के बाद नीचे हो गया थोड़ा, डी टू ईयर है ना, तो डी टू यानी कि लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल्स कितनी हो गई 18.6 सेंटीमीटर। तो लिख दो लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल्स
इज इक्वल 18.6 सेंटीमीटर। तो ये एक्सरसाइज 20C कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि अगला वीडियो जब भी अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।